हैदराबाद में बैठ के कह रहा है 15 मिनट अगर पुलिस हट जाए तो देश के हिंदुओं को बता दे। ये वो लोग कह रहे हैं जो संसद में बैठते हैं, उनका भाई कहता है, ओवैसी का भाई, वो इधर कह रहा था, गालियां देके कह रहा था कि मेरे बाप ने, मेरे बाप दादाओं ने, अब्बा जान ने ये लाल किला बनाया है, ये मीनार बनाया है। मैं कहता हूं कि तेरे बाप दादा ने नहीं, लुटेरों, वो मुगल लुटेरा थे, उन लुटेरों ने ऐसा किया था। तुमसे बड़ा लुटेरा आया, अंग्रेज आया, तुम भाग गए। अरे कौन बने? 1100 लोग आए थे, मुट्ठी भर मुगल आए थे। हमारे पूर्ववक्ता ठीक ही कहे, कुछ आलसी, कुछ लालची और कुछ दगाबाजों के कारण तुम आ गए। हमारे सोमनाथ लुटते रहे, हम देखते रहे, हम जयचंद्र बन गए, पृथ्वीराज की आंखें बंदी बना दी। लेकिन मैं उस गद्दारों को कहता हूं जो भारत को इस ढंग से गालियां दे रहे हैं कि भूल जाओ ये नया भारत का भारतवंशी है, ये नए भारत का भारतवंशी है। तुम चिल्लाते हो, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, जहर बोया जा रहा। मैं उस आदमी का खानदान हूं जिसने गुम्मत पे चढ़ के कहा था, यहूदियों तुम 10 हो जीने के लिए, मैं 1 हूं मृत्यु को गला लगाने के लिए। हमने तो कभी चुनौती नहीं दी, हमारा इतिहास नहीं रहा, हमने कभी विस्तारवादी नहीं रहे। तुम विस्तारवादी हो, तुम खून फसाद करते हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा है, ठीक ही हमारे एक भाई कह रहे थे कि अहिंसा का गलत अर्थ लगा लिया। अहिंसा का कहा गया कि एक गाल में मारोगे तो दूसरा गाल भी दे दूंगा। हमारे धर्म में कहा गया है अहिंसा तो मन में भी होता है, सोच में भी अहिंसा होती, व्यवहार में भी अहिंसा होती। अहिंसा का मतलब केवल एक गाल में थप्पड़ मार दे, दूसरा भी आगे बढ़ा दे। अहिंसा में कहा है कि अगर कोई मारने आए तो उसका प्रतिकार भी करो, प्रतिकार भी करो। हमारे शास्त्रों ने शस्त्र और शास्त्र हमारे देवी के हाथों में, आपने शस्त्र भी देखा, शास्त्र भी देखा। हमें लड़खाड़ो मत, सोए हुए शेर को जगाओ मत। मैं आज कहने आया हूं, अगर भारतवंशी पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूं, ये CAA पर इतना हंगामा क्यों? कल मैं देख रहा था चैनल पर, CAA वापस लेना होगा। मैं कहता हूं कि मेरे गृह मंत्री ने कह दिया, इस जन्म में क्या उस जन्म में भी CAA वापस नहीं है। क्यों? मुसलमान को क्यों वंचित किया? अरे भाई, वहां मुस्लिम धर्म से प्रताड़ित वहां का मुसलमान होगा?